प्रोग्रामर्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था ऑपरेटर प्रिसिडेंस के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में। इस वीडियो में हम ऑपरेटर प्रिसिडेंस पे बेस्ड कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। सी वेरिएबल का मान हमें कैलकुलेट करना है इस दिए गए कोड के आधार पे। तो चलिए आइए इस कोड को देखते हैं। ए बराबर हमें गिवन है 10, बी बराबर हमें गिवन है 2 एंड इक्वेशन दिया हुआ है सी बराबर ए लॉजिकल एंड बी माइनस 2। ठीक है गाइज, सो यहां पे सी की वैल्यू क्या होगी? तो सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होएगा? माइनस। फाइन, माइनस इज सॉल्व फर्स्ट, राइट। सो इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास इसके सॉल्व होने के बाद? इक्वेशन बच जाएगी सी बराबर ए एंड एंड बी माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 हो गया हमारे पास 0। नाउ क्या सॉल्व होगा अभी देखें हम। जो लॉजिकल एंड है वो सॉल्व होगा, राइट। तो लॉजिकल एंड को जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया हमारे पास सी बराबर ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 10 है। 10 मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो को माना जाता है 1, और एंड के दूसरी साइड में क्या पड़ा था हमारे पास? 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 1 एंड 0 क्या होता है? 0। नाउ असाइनमेंट इज डन। अब क्या होगा? असाइनमेंट परफॉर्म होगा तो सी विल बी 0। सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। आइए इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। मैं आपको मान निकाल के बता देता हूं। डेवलपर सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर खोल लेते हैं। मेरे पास बना हुआ है ये एग्जांपल, ये हमने खोल लिया एंड ए को हम प्रिंट करा देते हैं यहां पे, सॉरी सी को, क्योंकि हमने सी का मान पूछा था क्वेश्चन में। लेट्स कंपाइल एंड रन। कुछ फ्यू सेकंड्स का टाइम ले रहा है ये एग्जीक्यूट होने में। सो दिस इज 0, यही हमने कैलकुलेट किया था, राइट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल रखी है, समझाया है उसको, और साथ में डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के उसका लिंक भी डाला है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 15 × 3 माइनस 19 रिमाइंडर 10। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा इस इक्वेशन में? मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई रिमाइंडर का प्रेसिडेंस सेम है, बट लेफ्ट टू राइट अभी कौन अपीयर हो रहा है? पहले मल्टीप्लाई अपीयर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इज सॉल्व फर्स्ट, इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए बराबर 45 माइनस 19 रिमाइंडर 10। इसके बाद क्या सॉल्व होएगा हमारे पास? बचा क्या है इक्वेशन में? असाइनमेंट बचा है, माइनस बचा है, रिमाइंडर बचा है। अब इन तीनों में रिमाइंडर का प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट है ना, तो रिमाइंडर सॉल्व होएगा, रिमाइंडर को सॉल्व करना होगा यहाँ पे। तो ए बराबर हो गया हमारे पास 45 माइनस 19, रिमाइंडर 10 हो गया हमारे पास 9। फाइन, नाउ माइनस सॉल्व होएगा तो वैल्यू हो गई हमारे पास ए बराबर 45 माइनस 9 कितना आया? 36, 36 ही होता है ना। नाउ असाइनमेंट इज डन। सो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36 हो जाएगा। आइए इसको भी मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से कोड को हमने कॉपी कर लिया, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है ही, यहाँ से हटा दिया एंड ई को हम प्रिंट करवा देते हैं। सो ये आ गया हमारे पास 36 रिजल्ट। फाइन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी।
सो ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, बी हमारे पास में 12 है, राइट। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, सी बराबर, अभी देखिए इस इक्वेशन में ए की वैल्यू रहेगी 0, उसके बाद में एंड लिखा हुआ है, बी प्लस प्लस लिखा हुआ है, बट बी प्लस प्लस जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में, कि लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट ऑपरेंड 0 हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। इसके बाद वाला ऑपरेंड जो है वो टेस्ट ही नहीं होता है, एंड चूंकि ए पर पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाइड है तो वैल्यू ऑफ ए 0 यूज आएगी, एंड उसके बाद में इंक्रीज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में तो 0 यूज हो गई, रिजल्ट कैलकुलेट हो गया अपना 0 के आधार पे, बट उसके बाद में ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 से बढ़ गई है, तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और बी प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से बी कितना पड़ा है, 12, और सी में क्या आ जाएगा, 0, और उसके बाद में लॉजिकल एंड है तो सी का रिजल्ट क्या हो गया, डायरेक्टली 0। आइए इसको भी मैं रन करा के दिखा देता हूं आपको, यहां हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी हमने ए को प्रिंट करा दिया, ए कितना आएगा हमारे पास 1, चूंकि इक्वेशन में ए की पुरानी वैल्यू काम में आ रही है बट इक्वेशन के बाद इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में हमने प्रिंट करा दिया बी को, और उसके बाद में हमने प्रिंट करा दिया सी को। बी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो बी प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सी में एंड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए का मान 1, बी का 12 और सी का 0। ठीक है गाइज, 1, 12 एंड 0। अच्छा यहाँ पे स्पेस देना रह गया था तो वो स्पेस नहीं दिखा रहा था, एक बार और कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ठीक है गाइज, 1, 12 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या किया है, एंड लॉजिकल एंड को रिप्लेस कर दिया है और से। अब चूंकि यहाँ पे और है तो क्या होगा, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जो है वो 0 काम में आएगी, इक्वेशन के बाद ए इंक्रीज हो जाएगा, बट ए 0 था इसलिए और के बाद वाला पार्ट रन होगा। बी की वैल्यू कितनी है, 12, नॉन जीरो है यानी इसको ये 1 मानेगा, तो अभी ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस का रिजल्ट आएगा 1, तो सी में कितना स्टोर हो जाएगा हमारे पास, 1, देन ए और बी दोनों 1 से बढ़ चुके हैं तो ए भी 1 और बी हो जाएगा 13। आइए इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको, नाउ सी दिस, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, बी की 13 और सी की भी 1। इट्स टेकिंग टू मच टाइम इन द एग्जीक्यूशन, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आई थिंक। खैर, सो रिजल्ट हो गया 1, 13 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। सो इंट ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी हमारे को दिया हुआ है ए लेफ्ट शिफ्ट बाय बी एंड 2 प्लस 4। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होएगा, अगर सॉल्यूशन देखें, प्रेसिडेंस की बात करें, प्लस का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, राइट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी बराबर ए लेफ्ट शिफ्ट बाय बी एंड 2 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास, 6, प्लस सॉल्व हो गया। प्लस इज सॉल्व फर्स्ट, राइट। अब इसके बाद में प्रेसिडेंस अगर हम देखें, हमारे पास बचा क्या, इक्वेशन के अंदर इक्वल बचा है, लेफ्ट शिफ्ट बचा है, एडमिट वाइज एंड बचा है, इन तीनों में प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, लेफ्ट शिफ्ट का।
ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट सॉल्व होएगा। लेफ्ट शिफ्ट जब सॉल्व हुआ यहां पे, तो सी बराबर हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है। फॉर्मूला क्या होता है, 2a × 2 की पावर b, यानी 2 × 2 की पावर 2। 2 × 2 की पावर 2 कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 8, राइट। और यहां पे इक्वेशन क्या बच गई, ए बिटवाइज एंड 6। अभी हमारे पास में बचा है असाइनमेंट और एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड सॉल्व होएगा पहले, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है असाइनमेंट से। तो अगर बिटवाइज एंड की बात करें, अभी देखिए 8 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1000, एंड 6 का क्या होगा, 0110। तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, 0000, राइट। 4 टाइम 0 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का एंड परफॉर्म होएगा 0 से, तो रिजल्ट 0। 0 का एंड परफॉर्म हुआ 1 से, 0 0 का एंड परफॉर्म हुआ वापस 1 से, फिर से 0, एंड फाइनली इस 0 का एंड परफॉर्म हुआ 0 से, तो ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। आइए इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं मैं आपको। एंड सिर्फ सी को प्रिंट करा लें यहां पे। ठीक इसे कंपाइल एंड रन किया हमने। अच्छा, ये रिजल्ट आएगा जब तक मैं आपको उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके भी दिखाता हूं। सपोज दैट यहां पे बिटवाइज और होता एंड की बजाय, तो क्या होता, ठीक है ना। अगर बिटवाइज और होता तो सबसे पहले 1 और 0 का और होता 1, फिर 0 और 1 का और होता 1, फिर 0 और 1 का और होता 1, और 0 और 0 क्या होता, 0। तो ये आंसर कितना हो जाता, 14 हमारा, ठीक है ना। प्रीवियस रन जो किया था उसको देख लें हम, रिजल्ट आ गया 0 हमारा प्रीवियस का। अभी हम क्या करते हैं, इस एंड को रिप्लेस कर देते हैं बिटवाइज और से। अब कितना आएगा आंसर हमारा, 14। ठीक है गाइज, सो स्टूडेंट ये थे कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए इतने ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लेटर ऑन और भी वीडियोस में डालूंगा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर बेस्ड होंगे। फाइन गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।